इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस नेता रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ईश्वर चाना ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आए दिन अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं, इसीलिए वो मुजरे जैसा शब्द यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी मटन मछली मुगल काफी शब्द हो गए और अब फिर मुजरा, ऐसी शब्दावली का प्रयोग प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से डर रहे हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं, गठबंधन से डर रहे हैं, यही कारण है कि प्रधानमंत्री अब अपने आपे में नहीं रहे। सुनिए ईश्वर चाना ने क्या कहा। ईश्वर जी, क्या लग रहा है आपको, जैसा कि अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा में, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो क्या लग रहा है आपको, कितना प्रभाव इस बार रहेगा, क्या हिसार तो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, और हरियाणा में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं? अनुराग जी, मेरे से ज्यादा आप समझदार भी हैं, फिर भी बता देता हूँ जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे हैं, अपने हरियाणा में कम से कम 7 सीटें हमारी होनी, 7 सीट हमारी पक्की है। तो हिसार की सीट का क्या मान? हिसार की सीट हमारी जेपी जीतेगा, 100% जेपी जीतेगा। कितने से जीत मान के चल रहे हैं? जीत का ये आंकड़ा जो होगा कोई 1 लाख के लगभग, आंकड़ा इतने है, पर जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, हमारे राहुल गांधी जी की जीत होगी, हमारे सोनिया गांधी जी की जीत होगी, हमारे उदय भान जी की जीत होगी, हुड्डा जी की जीत होगी, गठबंधन की जीत होगी। तो क्या मान रहे हैं इस बार सेंटर से मोदी जाएंगे या फिर रहेंगे? 100% गए मोदी, गए जुमराबाद, गया बिल्कुल। तो मुजरे वाली जो आजकल भाषा मोदी जी यूज कर रहे हैं कि वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी या फिर कहें तेजस्वी यादव मुजरा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुजरा कर रहे हैं, ऐसी अमर्यादित भाषाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी प्रयोग कर रहे हैं? अरे वो बुखला गए हैं, हार सामने देखकर बुखला गए हैं, अब वो कुछ ही बके जा रहे हैं, कुछ समझ ये नहीं है, अब वो भूल गए कि मैं एक PM हूं, वो भूल गए अपनी मर्यादा खो चुके। पहले कभी ऐसा देखा आपने, इतनी उम्र हो गई है, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का अपने भाषण में यूज किया हो? जी, मैं तो पहले बता देखो, वो बुखला गए, हार देखकर, हार सामने देखकर घबरा गए वो, ऐसा कोई PM कोई भी नहीं होता है ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल करे, मगर उन्होंने तो बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल की, हमारे नेताओं को भी इस्तेमाल किए ने, मगर वो बुखला गए हैं। अभी सीधे खोले आम इन्होंने जो ED का रेड है वो तेजस्वी यादव पर डालने की बात कही है, मोदी ने कहा है कि जैसे हवाई हेलीकॉप्टर की रफ्तार बंद होगी रुकेगा, वैसे ही तेजस्वी को जेल में डाल देंगे। अरविंद जी, अरविंद कह रहे हैं, राहुल पहले से ही कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया है, और अब शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया मोदी जी ने। ऐसा जो रास्ते इन्होंने दिखाए हैं, जो खड्डा खोदा इन्होंने, वो अपने लिए खड्डे खोदे हैं, रास्ता दिखाया, अपने लिए तैयार हो जाए, अपने तैयार हो जाए, इसने गलत इस्तेमाल किया, इसने केजरीवाल जी को हमारे गठबंधन के जो है उनको भी अंदर किया, कई को अंदर किया इसने, हर एक के घर में ईडी भेज देना, ये बहुत गलत किया इसने, अब इस्तेमाल इसी के ऊपर हो, इन्हीं के ऊपर होगा इस्तेमाल।